नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का साइबर ऑब्जर्वेशन में। आज मैं बात करूंगा कि आप सिर्फ एक नंबर डायल करके किसी दूसरे मोबाइल की इनकमिंग कॉल्स आप अपने फ़ोन में कैसे ला सकते हो। आप लोगों ने भी कॉल डाइवर्ट या कॉल फॉरवर्डिंग का नाम सुना होगा। और अगर आपको किसी दूसरे मोबाइल में कॉल डाइवर्ट करना है तो सबसे पहले आप सेटिंग में जाते हो, उसके बाद कॉल सेक्शन में, देन उसके बाद डाइवर्ट ऑप्शन में नंबर देते हो, फिर सबमिट करते हो। तो ये पूरा प्रोसेस जो है थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इससे भी आसान तरीका है। वो आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है डायलर में और डायलर पे एक नंबर डायल करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। 66 और आपको जिस नंबर पे फ़ोन चाहिए, जैसे मान लीजिए ये आपका किसी फ्रेंड का फ़ोन है या आपके किसी दोस्त का फ़ोन है या फिर आपके गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का फ़ोन है। अगर आप चाहते हो इस फोन में जितने भी इनकमिंग फोन्स आती है वो आपके फ़ोन में आए, तो आपको डालना है आपके अपना नंबर। तो चलिए मैं किसी दूसरे नंबर डाल देता हूँ, 70। उसके बाद हैश, और आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे आ चुका है कॉल फॉरवर्डिंग रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल। ये हो गया। अब इस फोन में जितने भी कॉल्स आएंगे वो डायरेक्टली आपके पास ट्रांसफ़र होगा। अगर आपको इसको इरेज करना है तो आपको टाइप करना है 00002#। इस नंबर डायल करके आप इरेज कर सकते हो। यही कोड है लेकिन अभी काम नहीं कर रहा है, तो इस सिलसिले अगर आपके भी फ़ोन में ये कोड काम ना करे तो आप डायरेक्टली जाइए सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको कॉल सेक्शन मिल जाएगा, कॉल कॉल फॉरवर्डिंग सिम वन, और यहाँ पे इनेबल है। तो आप नंबर भी चेंज कर सकते हो या फिर डिसेबल, मैंने डिसेबल कर दिया है। तो अब इस प्रोसेस को अलग अलग काम में यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास दो फ़ोन है, एक फ़ोन में चार्ज नहीं है तो आप कॉल को ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर किसी अगर कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है आपके साथ कोई चीट कर रहा है तो आपको लगता है कि आपके अलावा भी वो किसी और से बात भी करती है, तो आप उनके कॉल्स को भी अपने फ़ोन में ला सकते हो। बहुत आसान तरीका है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में आता रहता है।